हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको हमारे और एक अगले वीडियो पे और अपने चैनल पे। आपको अपना अमनदीप। तो आई होप सब सब बहुत अच्छे और अच्छे रहिएगा। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, कल जन्माष्टमी हुआ था, तो जन्माष्टमी का हम लोग ने घर पे पूजा किया एंड पूरा सजाया था। आई होप सब सबको बहुत अच्छा लगा है। अगर जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, कल का ही है। तो फिर चलिए, अभी बज रहा है सुबह का 11:10। तो अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ और अभी नाश्ता करेंगे। अभी हमारे घर पे एक और पूजा हुआ है, तो उस पूजा के बारे में चलिए आज मैं आपको अपने मम्मी से सुनवाता हूँ। मम्मी बताएगी वो क्या होता है उसमें। तो मम्मी आप बताओ ये पूजा क्या होता है और किस चीज के लिए होता है? गुगा देवता है, नाग देवता को गुगा देवता बोलते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन पूजा करते हैं, गुलाब पूरी सब बनता है, राखी खोल के इनके ही चढ़ाते हैं। अच्छा, तो फिर समझ गए। तो ये गुगा देवता जी है, तो इनके हम लोग की पूजा होता है राखी के, सॉरी जन्माष्टमी के अगले दिन। तो जिसमें जो राखी सेलिब्रेशन अभी हुई थी ना, मतलब राखी गया था, तो उसमें हम लोग जो भी राखी बांधते हैं या मोली वो सब खोल के चढ़ाना होता है इनको। तो फिर चलिए अब हो चुका है, अब जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं। और फिर नाश्ता करने के बाद क्या प्लान है अभी तो हमें भी पता नहीं, तो जो होगा वो आपको दिखाएंगे। तो फिर आइए आपको दिखाते हैं आज नाश्ते में क्या बना है। तो ये तो है चाय, आप सबको पता है, और ये है पकौड़ी, और ये है गुलगुला, मतलब ये है मीठा, और ये है नमकीन। तो फिर चलिए खाते हैं, और फिर खाने के बाद शायद आज प्लान कर रहे हैं कि इस्कॉन टेंपल जाने का, अगर गए तो ज़रूर से आपको भी दिखाएंगे। तो फिर देखिए दोस्तों कैसे मौसम बदल गया, अचानक से बारिश शुरू हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हो बालकनी में पूरा नीचे पानी पानी हो गया, अचानक से ज़ोरों से हवा, झंडा देख के भी समझ सकते हो क्या मौसम पलटा है, धूप से अचानक बारिश। और होनी चाहिए ऐसे बारिश, मज़ेदार बारिश, तभी तो जाके मौसम अच्छा होगा। तो ऐसे ही हो बारिश, क्या पता फिर शाम को भी कहीं निकलेंगे ठंडे ठंडे मौसम पे। तो फिर दोस्तों अभी मैं घर से निकला था, अभी जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था मैं अभी इस्कॉन टेम्पल जाऊँगा, तो उसके पहले मैं सौरभ को पिक करूँगा, फिर वहाँ से इस्कॉन टेम्पल जाऊँगा। तो घर से निकलते वक्त कुछ नहीं बना पाया, अचानक तो रास्ते पे हो इसलिए थोड़ी शोर शराबे हो रहे हैं, लेकिन हाँ घर से निकल चुका हूँ, घर पर कुछ नहीं बना पाया इसलिए अभी बना रहा हूँ। तो अभी जल्दी से जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सौरभ के नए फ्लैट में। जैसे कि मैंने बताया था, वो लोग ने पीजी चेंज करके एक दूसरी जगह पे फ्लैट ले लिया, तो वहीं पे आया है, और वो भी एकदम टॉप फ्लोर 20th फ्लोर पे है इनका। तो चलिए एक बार दिखाते हैं। घर का हालत बहुत ही ज़्यादा बेहाल है, क्योंकि अभी जस्ट आया है ना, एक दो दिन हुआ है, तो अभी सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी एक ही रूम दिखाते हैं, बाद में जब सही हो जाएगा फिर आपको और दिखाएंगे। सौरभ जी से भी एक बार मिलाते हैं। सौरभ भाई कैसे हो? हाय गाइस, ये देखो हेलो का ये एक रूम है अभी, तो अभी उधर हॉल है, अभी उधर का थोड़ा मेस होके रखा है। ये इनका दोनों का मस्त बेड, और यहीं पे ये अटैच बालकनी है, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही देख सकते हो आप एकदम, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है, जैसे सूरज अभी डूब रहा है तो एकदम बादलों में सूरज छुपा हुआ है। उधर ये पूरी सोसाइटी, और यहाँ भी देखो कितना सही लग रहा है। अगर वहाँ पे मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखो ये मेन रोड है, यहाँ से पूरी गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ से गाड़ियाँ मस्त दिखती है, रात के वक्त तो और अच्छी दिखती होगी क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है, सिर्फ गाड़ियों की लाइट। तो फिर मैं और सौरभ अभी निकल चले हैं और जा रहे इस्कॉन टेम्पल की तरफ। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, कोई नहीं, बट पहुँच जाएंगे 8 बजे तक। और आप देख सक रहे कितना अच्छा लाइट से सजाया हुआ, ये पूरा ग्रेटर नोएडा एरिया है, गौर सिटी मॉल के पास है, तो इस बहुत ही अच्छा लग रहा है जितने भी लाइट्स है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं मंदिर और फिर वहाँ जाके भी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होके रखी है, बहुत लंबी लाइन है, आइए आपको एक बार दिखाते हैं।
तो फिर अभी आप देख सकते हैं कितना भीड़ हो चुका है, एकदम बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो और ये द्वार है, तो चलो चलते हैं अंदर। मुझे लगता है लाइन पे थोड़ी टाइम लग जाएगी। कोई नहीं, जाते हैं और भगवान का भी दर्शन करते हैं और आप भी देखिए। तो फिर अभी हमने जूता खोल चुका है और अभी जा रहे मंदिर की तरफ। आप जैसे देख रहे हो बहुत भीड़ हो चुकी है, बहुत लाइन है, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। तो चलते जैसे जैसे अंदर और आपको दिखाएंगे जैसा भी होगा। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं, ये देखिए मंदिर का सजावट। यहाँ बहुत भीड़ होके रखी है, अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़ा सा LCD स्क्रीन लगाया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। मंदिर में वीडियो लेना मना था, इसलिए हमने भगवान जी का फोटो ले लिया था और वही आपको दिखा रहे हैं। तो फिर मैं आ चुका हूँ घर अब मंदिर का। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। वहाँ पे इतनी भीड़ थी और मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाने नहीं दिया, तब भी बोलते हैं छुप छुप के थोड़ा बहुत बनाया है, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम अलाउ नहीं था। वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा होता है नो फोटोज एंड वीडियोज अलाउड, बट तब भी सब छुप छुप के बना ही लेते, तो वैसे मैंने भी बनाया। बट तो जितना भी आया मैं आपको दिखाया हूँ। आई होप सो आप सबको भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से निकल के सौरभ को हम लोग घर छोड़े और घर छोड़ के फिर मैं सीधा घर आ गया। तो इसलिए बीच में कुछ भी नहीं बनाया। तो घर आ गए और फ्रेश व्रेश भी हो चुका हूँ, खाना भी खा चुका हूँ। तो बस अब इस वीडियो को भी एंड करने का समय आ चुका है। तो आप सबको वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और घर पे जितने भी फ़ोन है यार आस पास हो सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें यार। सब्सक्राइब करोगे तभी तो और भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस लाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। तो फिर चलो चलते हैं, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जितने भी मेरे बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम है और छोटों को हेलो है, बाय।